सुप्रभात, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है मंडे, आज है 12 दिसंबर, 12 है 13 है मुझे नहीं पता, पर मंडे है आज। और अभी टाइम हो रहा है सुबह, तो सुबह की 9 बज गई है। मैं जस्ट अभी नहा धोकर रेडी हुई हूँ। आप लोग सोचेंगे मंडे है इसने बाल नहीं धोए, क्योंकि मैंने कल ही बाल धोए थे, मैंने ऑयल लगाया था। जैसे आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, मैंने तेल लगाया था, तो मैंने संडे को बाल धोए थे, इसलिए हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ी। कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आज का ब्लॉग, आज का रूटीन जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आप उम्मीद यही करूंगी कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो चलो, आज के दिन मेरा कैसा गुजरता है वो आप लोग देखिए। तो अभी मैं जाने लगी हूँ मंदिर, तो आप भी चलिए मंदिर और सुबह सुबह कर लीजिए आप लोग भी भोलेनाथ जी के दर्शन। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मंदिर, ये ले लिया हमने मंदिर का सामान, दोनों जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सूर्यदेव भी आ गए हैं, सब मंदिर में आ गए हम, तो चलो। तो आज का नाश्ता है ये, तो मंदिर से हम आ गए थे और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। जैसे आप लोगों ने देखा ब्रेकफास्ट में मैंने आज सिंपल सी, आज मैंने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा मिल्क, उसमें चिया सीड्स और एप्पल सेब डाला था। और आज का ब्रेकफास्ट मेरा यही है, क्योंकि इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट अपना इतना लाइट इस वजह से किया क्योंकि मेरा जो वेट है वो बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहती मेरा वेट बढ़े, क्योंकि मैंने 5-6 महीने से बहुत मेहनत की अपने वेट को कम करने के लिए। और अभी जब से मैं घर से आई हूँ तब से लगभग यहाँ आके मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया है। तो इस वजह से मैं अभी सोच रही हूँ फिर कंट्रोल करूँ, क्योंकि होता है ना ठंडियों में आदमी का खाने पे कंट्रोल तो रहता है नहीं, जो चीज़ें मिलती है वो खा लेता है और पस अच्छी भी लगती हैं। तो इस वजह से तो आज मेरा ब्रेकफास्ट वही है। और सब घर वालों के लिए मैंने टोस्ट बनाए थे और अभी मैंने अपने लिए भी एक सोया टोस्ट बनाया है, यानी कि जो कल आप लोगों ने पहले वाला ब्लॉग देखा था उसमें मैंने सोयाबीन पीसी थी ना, तो उसी सोयाबीन को मैंने ब्रेड के अंदर भर के और उसमें थोड़ा उसको गर्म करके बनाया हुआ है, जिसको मैं लगभग 12-12:30 के बीच में खाऊंगी। और तब तक मैं करने लगी हूँ अभी अपना काम। तो चलो ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग, जो जो आगे आप लोग को ब्लॉग में जो भी होगा आगे वो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं अपना लैपटॉप पे काम करती हूँ। तो यहाँ पे शिवांश देख रहा है टीवी, क्या देख रहा है शिवांश? मोटू पतलू, क्या देख रहा है गोलू? मोटू पतलू देख रहा है, अच्छा लगता है देखो मोटू पतलू, अच्छा लगता है तो आँख पलक नहीं झपका रहे लड़का, देखो शिवांश का फैमिली है मोटू और पतलू, है ना मोटू पतलू देखा रहा है? ऐसा क्या कर रहा है ये मोटू पतलू देख रहा है, हाथ क्या हो रहा है ऐसे? हैं? ए? हेलो मोटू पतलू में खो गए तो
आंखें बंद करो उसकी, आईज ब्लिंक करो, आईज ब्लिंक करो, मुठो पर तो मत देखो, इसका नोजी नोजी देखो, उसको नोजी देखो, नो 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 नो। The next day. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो हो चुके हैं एक और नए दिन की शुरुआत, और आप लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा जिसे मैंने कंटिन्यू नहीं रख पाई मैं, तो आज मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। तो अभी है इवनिंग का टाइम, शाम के 4:30 हो रही है और मैं अभी आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। कल का ब्लॉग मैं पूरा नहीं बना पाई, तो आज का ब्लॉग मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग आज का इवनिंग से मेरा रूटीन देखिएगा। तो अभी आई हूँ किचन में, मैंने रखी है यहाँ पे चाय, सबके लिए चाय रख रही है अभी। और मुझे अभी जाना है वॉक पे, यानी कि मैं वॉक पे जाती हूँ, मेरी फ्रेंड को मुझे कॉल आ गया है क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ। मैं 4 बजे जाती हूँ, 4:30 हो गई है, तो थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो अभी चलो सबके लिए चाय चूई बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिए, अब हमने आरो भी सही कर लिया है, अब हमारा जो आरो का पानी है वो सही आने लग गया है। पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमारा आरो खराब हो गया था, तो वो सही हो चुका है। सो दोस्तों, 5 बजने वाली है और मुझे काफ़ी लेट हो गया है, और मेरी फ्रेंड का मुझे कब से कॉल आ रहा है। आज जो मेरी दूसरी फ्रेंड है निशा, यानी कि वो मेरे साथ नहीं आ रही है आज, उसकी थोड़ी हेल्थ इशू है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज मैं अपनी दूसरी फ्रेंड ममता के साथ जा रही हूँ, और जो मेरी फ्रेंड है ममता, ये लगभग 1 महीने के बाद आज आ रही है। तो जो मेरी ये फ्रेंड है ममता, ये 1 महीने से घर गई हुई थी मायके, अब ये आ रही है। तो आज मैं आपको इससे मिलवाती हूँ, और काफ़ी दिन बाद मैं इससे मिलूंगी भी। तो आज मैं उससे मिलूंगी, और कई दिनों बाद उससे मिल रही हूँ। उसका कई देर से फ़ोन आ रहा है कि आजा आजा आजा, लेकिन आज मुझे लेट हो गई, घर वालों को चाय बनाते बनाते लेट हो गई। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ किसी का, फिर मैं जाती हूँ फटाक से उसको मिलने, और चलो उससे आपको मिलवाती हूँ। दोस्तों आज यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा भी लग रहा है। धूप भी लगी है 2-3 दिन से, यहाँ पे ना दिन भर धूप है, मतलब पूरा दिन धूप है, और शाम और सुबह ठंड हो रही है। तो ये देखिए, ये है हमारी गली, हमारा जो हमारा गुड़गांव का ससुराल, शहर वाला ससुराल मेरा। तो अभी जा रही हूँ फटाफट ममता के पास। ये देखिए अच्छा सा मौसम हो रखा ना, सूर्यदेव भी अभी उपस्थित हैं। तो अभी हम लोग पार्क जाते हैं, तो ये लोग मेरे पड़ोसी जो हैं, ये सारे मेरे साथ आ गए हैं पार्क घूमने के लिए। बोलो रोज। ये है रोज, बाय। ये हमारी गली की क्यूट सी बेबी, अपना फेस तो दिखा दिखा देना, ये शर्मा रही है। वो है सिद्धू, शिवांश का दोस्त। तो अभी रोज और रोज की मम्मी लोग चले गए हैं पार्क के लिए, और मैं वेट कर रही हूँ ममता का। ममता का घर ये है सामने पे, बट ममता अभी आई नहीं है, और टाइम हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों, 5:30 होने वाली है, और ममता अभी तक नहीं आई। आज मैं क्या ही घूमूंगी, मुझे तो लगता मैं आज कुछ वॉक भी कर पाऊंगी। मैं पार्क में आ गई हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं भी आ गई हूँ पार्क में, क्योंकि वॉक तो मुझे करनी है यार, जल्दी जल्दी नहीं जाऊँगी तो क्या फ़ायदा। तो रोज़ की मम्मी लोग भी चले गए हैं, बोलेंगे अभी तूने बोला कि रोज़ की मम्मी बोलेगी अभी तो तूने बोला कि तू उसके साथ आ रही है, और अब तू मेरे साथ ही आ गई पीछे से, बट क्या करें, उसको भी टाइम लग रहा है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे घूमना भी है। तो ये आ रही है वो हीरोइन 1 महीने बाद, ले लिया करो कभी कभी अपने काम। तो आ गई है ममता, ये देखिए कितने महीने रह के आई बता दो। मैं 25 दिन रह के आई हूँ। 1 महीना मान के ले लो इसको, 1 महीने से ये घूम ही रही है, पिछले महीने चली गई थी 17-18 को, आने का मन नहीं था, ससुराल आने का मन किसी का नहीं होता है, पर यह मन बना के आना पड़ता है। इसका तो नजदीक में ही है, फिर भी रुक जा मैं देखा।
दोस्तों 6 बज चुकी हैं और मैं अब जा रही हूँ घर के लिए। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, शाम के टाइम पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। ममता चलेगी पीछे, ममता का घर, ममता चलेगी घर। खूब सारी बातें की हमने क्योंकि एक महीने बाद हम दोनों मिले। हवा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। घर वाले बोलेंगे कि आज कंचन को लेट होगी क्योंकि आज मैं खुद लेट में आई थी, तो इस वजह से लेट जा रही हूँ घर। तो चलो घर चलते हैं फटाक से। देखिए दोस्तों सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, डूबता हुआ सूरज। वैसे लोग बोलते हैं कि देखना नहीं चाहिए, देखना क्यों नहीं चाहिए, बट कई लोग, मैंने सुना है कि कई लोग बोलते देखना नहीं चाहिए, बट जब डूबता हुआ सूरज जाता है उसके बाद देखो क्या है रोशनी, कितनी सुंदर लग रहा है सनसेट ना। 2-4 दिन से यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सनसेट का व्यू आ रहा है। तो चलो अभी घर की तरफ चलते हैं फटाक से। हाँ सच में यार यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब बहुत भयंकर वाली ठंड हो रही है। मैं फटाक से चलती हूँ घर की ओर और मैं ऐसे मेन रोड पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि कोई मेरा फोन छीन के ले गया ना, तो हो गया मेरा इधर का उधर। आज इन दोनों में दोस्ती हो गई शिवांश और अमायरे में। दीदी के साथ हाई फाई कर दो। तभी तो किसने तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ सूप, और आज हमारा जो डिनर में खाना बनेगा वो बन रहा है सरसों का साग। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सरसों का साग बन चुका है, यहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया हुआ है और आज मैं बना रही हूँ सूप। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न डाल दिए हैं, ये फ्रीजर में रखे थे ना इसे ठंडे होकर अभी। और यहाँ पे मैं कुछ मटर छीलूंगी, गाजर डालूंगी, और ये है हमारी सूप। यहाँ पे हमने सूप इस तरीके से लगा रखा है, तो इग्नोर कीजिएगा, ऐसे ही हमने स्टाइल से रखा है। तो चलो सूप बनाने की करते हैं तैयारी, सूप पीते हैं आज, और आज मेरा डिनर यही रहेगा सूप, टमाटर सूप। तो चलो बनाते हैं फटाक से सूप। शिवांश भजन बोलो, अक्षतम केशवम बोलो। देखने इधर बोलो, क्लैपिंग करो ना, क्लैपिंग कर बोलो। शिवांश क्लैपिंग करो ऐसे। बाइक का नाम क्या है गोलू? देख इधर, ए गोलू ये देख, बाइक का नाम क्या है? तेरी बाइक का नाम क्या है बता ना, बाइक का नाम क्या है? हायाबुसा। बूजा होता है कि भूसा होता है? चलाना उसको, ऐसे थोड़ा चलाते, बैठो उसमें, बैठ के चलाओ, गाने चलाओ, हमें भी दिखाओ। बैठो बैठो, कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। अब स्टार्ट करो उसको, म्यूजिक चलाओ उसका, डांस कैसे करते हो उसमें बैठ? अच्छा बोला मैं। हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग? देखो तो अभी शाम का खाना बन रहा है, रोटी बना रहे हैं कोदे की, मंडवा कहते हैं और इंग्लिश में इसको रागी कहते हैं, रागी। साग क्या बन रहा है तुम्हारा आज? सरसों का साग, कोदे की रोटी। तो ये मंडवे की रोटी है, रागी की रोटी है, सरसों का साग। तो लंच ये हो रहा है। इंग्लिश में रोटी को क्या कहते हैं? नहीं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप बताओ? हमें नहीं पता, तुम बताओ। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पता नहीं, रोटी को रोटी तो बोलते हैं। रोटी नहीं बोलते भाई, दोस्तों बताना रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमने तो रोटी ही सुना है, बाकी क्या बताते बताओ। चलो पता करके बताओ दोस्तों। ठीक है कमेंट में बताना सब लोग रोटी को क्या बोलते हैं। एक इसको देखो यहाँ, ए इसने यहाँ तबाही मचा रखी। खुद कर, शिवांश की हरकत देखो यार। दोस्तों आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ही व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।